नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्कूलों का नया मॉडल टाइम टेबल जारी। सुबह 9:30 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेगा स्कूल। प्रधानाध्यापकों को मिली स्कूल के सफाई की जिम्मेदारी। स्पेशल केस में ही होगा शिक्षकों का तबादला। 1 से 15 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। पहले किए गए सभी आवेदन हुए रद्द। ड्रोन से होगा पराली जलाने के मामले का पता। कटाई के समय पराली जलाने की बढ़ती है घटनाएं। वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच लिया गया फैसला। 25 नवंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर को होगा समापन। सत्र के दौरान विपक्षियों के हंगामा करने की संभावना। इंडिया यूथ टूर्नामेंट 2025 बिहार में होगा आयोजित। केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने किया ऐलान। बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कही बात। जानिए क्या है डेटा खत्म होने की वजह। ऐसे बचा सकते हैं अपने फोन का डेटा। ऑटो डाउनलोड को कंट्रोल करके बचाएं डेटा। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट। सुबह 7:50 से होगी मैच की शुरुआत। जानिए कहां होगी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 2,246 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट भारतीयपशुपालन.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर है। इस भर्ती में कुछ पदों पर 10वीं पास या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बीते दिन सभी सरकारी विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग ने नया मॉडल टाइम टेबल जारी किया है। स्कूल सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर शाम के 4 बजे तक रहेंगे। इस व्यवस्था को सभी प्रकार के विद्यालयों में पर लागू किया जाएगा। टेबल के अनुसार प्रार्थना और अन्य गतिविधियां 9:30 से 10 बजे तक होंगी। उसके बाद 8 घंटियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें कक्षाएं, मध्याह्न भोजन और खेलकूद, संगीत, नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। शिक्षकों को छात्रों के गेटअप, पोशाक और सामान्य ज्ञान की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। शनिवार को बैगलेस गतिविधियाँ आयोजित होंगी और विद्यार्थियों को प्रतिदिन गृह कार्य दिए जाएंगे, जिसकी जाँच अगले दिन होगी। प्रधानाध्यापक को स्कूल की सफाई की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे लक्ष्मीकांत झा के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1913 में बिहार के दरभंगा में हुआ था। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 8वें गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के सचिव के रूप में भी काम किया है। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2, 5, 10 और 100 रुपये के नोट के भारतीय नोट जारी किए थे। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें मिस्टर रेड टेप शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ग्रामीण कार्य विभाग की 8,858 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और कार्यारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत 6,199 योजनाओं का केंद्रीय रूप से उद्घाटन पटना से किया जाएगा। राज्य में ग्रामीण सड़कों का एक विशाल नेटवर्क है और 100 से अधिक आबादी वाले सभी बसावटों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है। अब तक 1,17,200 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिसमें 1,18,655 बसावटें सड़क संपर्क से जुड़ी हैं। 22 नवंबर को उद्घाटन होने वाली योजनाओं में 17,073 ग्रामीण पथ, जो 2,974 किलोमीटर है, और 36 पुल शामिल हैं, जिनकी कुल लागत 2,348 करोड़ रुपये है, जबकि 4,250 पथ, 7,493 किलोमीटर और 140 पुल का कार्यारंभ किया जाएगा, जिनकी कुल राशि 6,510 करोड़ रुपये है। बिहार सरकार ने विशेष परिस्थितियों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन केवल उन्हीं शिक्षकों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जो विशेष समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले किए गए सभी आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। शिक्षक पारिवारिक स्वास्थ्य या अन्य व्यक्तिगत कारणों से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे किसी को परिवार से दूर रहकर काम करना या किसी सदस्य की बीमारी के कारण तबादला चाहिए। इस प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
बिहार में वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच अब खेतों में पराली जलाने के मामलों का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्पाद विभाग के साथ मिलकर ड्रोन का उपयोग करने का समझौता हुआ है। ये ड्रोन पहले अवैध शराब की तस्करी पर नजर रखते थे, अब पराली जलाने की घटनाओं पर भी निगरानी रखेंगे। इस समय पराली जलाने के मामले कम हैं, लेकिन जैसे जैसे धान की कटाई होगी घटनाएं बढ़ सकती हैं। पटना और अन्य जिलों में वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने और किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पटना में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कहा कि खेलो इंडिया यूथ टूर्नामेंट 2025 बिहार में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बिहार में खेलों के प्रति बढ़ते रुझान को लेकर खुशी जाहिर की और बताया कि केंद्र सरकार बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए काम कर रही है। मांडविया ने युवाओं से खेल में करियर बनाने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने पर सरकारी नौकरी दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 का भी जिक्र किया, जिसमें खेलों में भारत का स्थान 1 से 5वें स्थान तक पहुंचाने की योजना है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के लिए म्यूटेशन अपील का निपटारा न होना एक बड़ी समस्या बन चुका है। अक्टूबर की रिपोर्ट में अधिकांश DSCLR ने अपने लक्ष्य का 60% भी पूरा नहीं किया। विभाग ने पिछले DSLR की सूची तैयार की और प्रमंडलीय आयुक्तों को नियमित निरीक्षण का आदेश दिया है। म्यूटेशन अपील का निपटारा 30 दिनों में करना अनिवार्य है, लेकिन कई अनुमंडलों में निष्पादन दर बहुत कम रही। शेखपुरा और तारापुर में कुछ सुधार हुआ, लेकिन बेलसंड में 9.6% ही मामलों का निपटारा हुआ। विभाग ने 4 लाख लंबित मामलों के निपटारे का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं रिश्वत मांगने के आरोप में जेल से रिहा हुए सिवान के DSLR राम रंजन सिंह को फिर से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बीते दिन बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि बिहार के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना जरूरी है। उन्होंने बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग को अमेरिका जैसे बनाने का वादा किया है। इस दौरान 3,700 करोड़ की लागत से 6 NH परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। गडकरी ने मोकामा से मुंगेर तक 4-लेन सड़क निर्माण और बेतिया में गंडक नदी पर 4-लेन ब्रिज बनाने की भी घोषणा की है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 29 नवंबर को इसका समापन होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर के अभिभाषण से होगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होगी और उसके पारित होने की संभावना है। ये सत्र खास है क्योंकि 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे, जो बिहार की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। विपक्ष खासकर राजद, कांग्रेस और वाम दलों शराबबंदी नीति और स्मार्ट मीटर को लेकर NDA सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भूमि सर्वेक्षण भी एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है, जिससे सत्र के दौरान हंगामा होने की उम्मीद है। गया सिमरी बख्तियारपुर सलखुआ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत महादेव मठ निवासी अभिनेत्री संचिता बासु, जो साउथ फिल्मों में अपनी पहचान बना चुकी हैं, अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। उनकी पहली हिंदी वेब सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। हाल ही में जारी हुए सीरीज के ट्रेलर को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। संचिता ने सीरीज में सानविका नामक किरदार निभाया है, जो एक दिलचस्प और इमोशनल कहानी पर आधारित है। उनके साथ अभिनेता धवल ठाकुर भी हैं, जो कुलदीप का रोल निभा रहे हैं। ये उनके लिए हिंदी प्रोजेक्ट्स में पहली बार शुरुआत है। भारत ने राजगीर के हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हरा कर खिताब बरकरार रखा। दीपिका के 11वें गोल की मदद से भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को हराया। इस जीत के बाद महिला हॉकी टीम के 8 खिलाड़ी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि बाकी खिलाड़ी पटना एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर महिला खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में एक भी मैच नहीं हारा और सेमीफाइनल में जापान को हराया। इस जीत ने टीम को तीसरी बार ट्रॉफी विजेता बनाया है। गया एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को देखकर लोग खुशी से झूम उठे और भारत माता के जयकारे लगाने लगे।
बिहार के खगड़िया में 18 महिला शिक्षिकाओं के फर्जी तरीके से बीपीएससी शिक्षिका बनने का मामला सामने आया है। इन पर नौकरी प्राप्त करने के लिए सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ करने का आरोप है। जांच में पता चला कि इन महिला अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी दी थी, जिससे वे शिक्षिका बन पाई। ये शिक्षिकाएं खगड़िया जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत थी। इनमें से एक शिक्षिका राजस्थान की और बाकी 17 उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। खगड़िया के डीओ अमरेंद्र गौड़ ने बताया कि बिहार की महिला अभ्यर्थियों को टीटी में 5% की छूट मिलती है, लेकिन अन्य राज्यों की महिला शिक्षिकाओं के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा पाया गया। जांच के बाद इन सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। व्हाट्सएप पर कॉल करते समय डेटा बचाने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप खोलें। ऊपर दाईं तरफ 3 डॉट्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करें और सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाकर स्टोरेज और डेटा पर क्लिक करें और अब आपको कम डेटा का उपयोग करें वाला ऑप्शन दिखेगा, उसे चालू कर दें। इससे कॉल करते समय कम डेटा खर्च होगा, लेकिन कॉल की क्वालिटी अच्छी रहेगी। फोटो और वीडियो भेजने से भी डेटा खर्च होता है। आप सेटिंग्स में जाकर फोटो और वीडियो की क्वालिटी कम कर सकते हैं। इसके लिए स्टोरेज और डेटा सेक्शन में जाएं, मीडिया अपलोड क्वालिटी पर क्लिक करें। यहां आपको HD और स्टैंडर्ड क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी चुनें। इससे फोटो और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन डेटा कम खर्च होगा। इस सेटिंग को चालू करने से कॉल के लिए कम डेटा खर्च होता है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन 19 और 20 दिसंबर को पटना में होगा, जिसमें 80 देशों के निवेशक शामिल होंगे। इस 2 दिवसीय समिट में कई केंद्रीय मंत्री, सचिव और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। बिहार के मुख्य सचिव ने समिट को सफल बनाने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले साल हुए समिट में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के करार हुए थे। इस बार समिट के लिए 5,000 रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 82 देशों को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। बिहार सिपाही भर्ती की फिजिकल परीक्षा का अंतिम चरण 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 10 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 1,87,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिनमें से 21,391 पदों पर चयन होगा। उम्मीदवारों को फिजिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड चयन पर्षद की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। शारीरिक परीक्षा में दौड़, गोला फेंक और लंबी कूद जैसी परीक्षाएं होंगी, जिसमें हर परीक्षा के लिए अलग अंक दिए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में से किसी में एक में असफल होता है तो उसे असफल ही माना जाएगा। इसके अलावा लिखित परीक्षा के अंक अंतिम चयन के मेरिट में शामिल नहीं होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार में 3,326 ट्रेसरों यानी परिध्यापक की जल्द बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस बहाली के लिए अधियाचना तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी है। मंत्री ने कहा कि अगले 2 महीने में राज्य में कई अस्पतालों का उद्घाटन होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अस्पतालों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों से मरीजों को इलाज में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि ड्रेसर का अस्पतालों में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे घावों पर पट्टी बांधना और बुनियादी चिकित्सा सहायता प्रदान करना। पांडे ने आरोप लगाया कि राजद शासन काल में स्वास्थ्य सेवाओं में घोर कमी थी, जबकि अब सुशासन की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। पटना के पश्चिमी इलाके में दानापुर बेहटा एलिवेटेड रोड निर्माण के चलते बेहटा में जाम की समस्या बढ़ गई है। इस मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने गुरुवार को बेहटा का दौरा किया। इस दौरान पटना DM, SSP और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मीना ने सड़कों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बेहटा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने कहा कि बेहटा चौक पर जाम एक बड़ी समस्या है, लेकिन एलिवेटेड रोड और 4-लेन रोड निर्माण कार्य से जल्द समाधान होगा। इस प्रोजेक्ट का काम 45 से 60 दिनों में पूरा होने की उम्मीद है। बिहार में ठंड का प्रवेश हो चुका है। प्रदेश में पूर्वा हवा के आगमन से ठंड का असर और बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले 4 से 5 दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। बिहार में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। बिहार में कुछ सरकारी अधिकारियों को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला, जिसमें भेजने वाले ने खुद को बिहार सरकार का मंत्री बताया। अधिकारियों ने प्रोफाइल फोटो चेक की, जिसमें मंत्री की तस्वीर थी, लेकिन जल्द ही ये पता चला कि ये अकाउंट फर्जी था। साइबर ठगों ने बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना लिया था
और सरकारी अधिकारियों से धोखाधड़ी करने की कोशिश की। मंत्री के सचिव ने इस मामले में साइबर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इससे पहले सारण के एसपी का भी फर्जी फेसबुक अकाउंट बन चुका था। ठग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को झांसा देकर ठगी करते हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड और महाराष्ट्र के हालिया एग्जिट पोल को सही बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है और जल्द ही वहां एनडीए की सरकार बनेगी। चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे, ना ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वे एनडीए के साथ थे। इसके अलावा उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव के शासन में पलायन बढ़ा था और अगर राजद के पास रोजगार देने की कोई तकनीक होती तो बिहार में पलायन नहीं होता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट आज पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होने वाला है। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं, क्योंकि नियमित कप्तान रोहित शर्मा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण भारत में है। कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 24 नवंबर को जुड़ सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस के हाथों में है। इस सीरीज में भारत ने पिछले 4 टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया है और अब भारत लगातार 5वीं जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:50 पर शुरू होगी। इसका प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा, जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1968 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा से स्वीकृति मिली थी। आज के ही दिन वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हवाई सीमाओं का उल्लंघन किया, जिससे दोनों के बीच हवाई संघर्ष शुरू हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1997 में भारत की डायना हेडन विश्व सुंदरी बनी थी। आज के दिन वर्ष 2008 में हिंदी के प्रख्यात कवि कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। आज के दिन वर्ष 1864 में भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुकमा बाई का जन्म हुआ था। प्रसार भारती ने अपना नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। ये ऐप एंड्रॉयड और आईओएस पर मुफ्त में उपलब्ध है और इसका उद्देश्य मनोरंजन, खेल, समाचार और सरकारी योजनाओं से संबंधित कंटेंट प्रदान करना है। वेब्स पर लगभग 40 लाइव चैनल्स जैसे B4U, ABZY, सब ग्रुप, 9X मीडिया, इंडिया टुडे, ABP न्यूज और NDTV इंडिया है। इसके अलावा फिल्में, टीवी शो, गेम्स और लाइव इवेंट्स भी देखे जा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं और ये SD, HD और 4K जैसे रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। प्रसार भारती ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को भी पेश किया है, जिसमें विज्ञापन से उत्पन्न राजस्व का 65% ब्रॉडकास्टर्स को मिलेगा। सोशल मीडिया पर एक पत्र में दावा किया जा रहा है कि कौशल भारत कुशल भारत योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी। इस पत्र में कहा जा रहा है कि नियुक्ति से पहले ₹1350 का पंजीकरण शुल्क देना होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है। इस तरह की खबरों पर यकीन करने से बचे। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 16 नवंबर, ऑप्शन बी है 17 नवंबर, ऑप्शन सी है 18 नवंबर, ऑप्शन डी है 19 नवंबर। इसका सही उत्तर है 16 नवंबर। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले किस देश में पाए गए हैं? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही उत्तर है भारत। हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही उत्तर है नेपाल। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है रामनगर दून, ऑप्शन बी है कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन सी है सुमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सुमेश्वर श्रेणी। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल क्या है? ऑप्शन ए है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व। इसका सही उत्तर है दक्षिण से उत्तर।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है ओमकार सिंह, रात के सोर महतो, संजीव कुमार, पद्माकर चौधरी, दीपक कुमार, गुनर शर्मा, सुकांत, शंकर, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद साकिर हुसैन, अर्जुन राम, रवि मोहन वर्मा, रवि कुमार राज, जितेंद्र ठाकुर, रवि शंकर, सविता कुमारी। इसी के साथ वर्तमान के सवाल की रात का सवाल है, बिहार में खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है, आपके अनुसार इससे प्रदेश को कितना फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।